कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कि आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। उदयपुर में शुक्रवार को ये शिविर शुरू हुआ था। चिंतन शिविर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। तो वही आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि अंतिम दिन है शिविर का। अलग 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 समितियों में जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मामलों की जिस समिति का मैं सदस्य हूं, वहां पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं, और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी, और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का, वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। आज हम सिर्फ 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। अब आने वाले समय में जो चुनौती हमका सामना करने के लिए, हर व्यक्ति को एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा और 2024 का लोकसभा, वहाँ पर हम जनता का विश्वास जीत सकें। उसके लिए जिसको जो भी त्याग और समर्पण करना है, सब करने को तैयार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं को महत्व देने की बात है, ये विषय इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे युवाओं की भागीदारी, SC ST महिला, दलित, OBC, इन सब लोगों को कैसे हम और प्रमुख रूप से राजनीति में अपनी पार्टी के अंदर जगह दें, उनका महत्व को और बढ़ाएं। देखो, एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी खुदगर्जी, सिर्फ पार्टी का या पावर का नहीं सोचते हैं, हम राष्ट्र का सोचते हैं। देश के लोगों की समस्याएं आज क्या है, चैलेंजेस लोगों के सामने क्या है, और क्या रोड मैप होना चाहिए, उसकी चर्चा है कि हम जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं की आवाज़ भी बनेंगे, और उसके लिए जो जन जागरण अभियान है उसका रोड मैप भी बनाया है। लोगों के बीच उन समस्याओं को जो लोगों के लिए, इस राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, उन बातों को हम लेके जाएंगे, और एक जनता का साथ मिलके समस्याओं पे लड़ेंगे। और कल को जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनती है तो वो भी रोड मैप है कि आज राष्ट्र के अंदर जो समस्याएं लोग जूझ रहे हैं, युवा को रोजगार चाहिए, महंगाई की मार है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी दुखी है, और सिर्फ चंद लोग उसकी आमदनी रात दिन बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, और देश का अर्थतंत्र या देशवासी का अर्थतंत्र लुढ़क गया है, इन चीजों पे हमारा मंथन चर्चा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।